एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो डेली यूज़ के सेंटेंसेस है, देख लेते हैं। उससे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि डेली यूज़ के सेंटेंसेस है, तो डेली यूज़ में उन्हें बोलें, यूज़ करें, नहीं बोलेंगे तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। कॉल मी एनी डे, मुझे किसी भी दिन बुलाओ। कहना है मुझे किसी से कि मुझे किसी भी दिन बुलाओ या मुझे किसी भी दिन कॉल करो, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। बुलाने को कॉल कहा जाता है। जब हम किसी को कहते हैं कि कॉल मी, या तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे कॉल करो, या फिर होता है बुलाना कि मुझे किसी भी दिन बुलाओ। तो किसी भी दिन के लिए क्या यूज़ किया गया है वर्ड एनी डे। एनी होता है कोई दिन, कोई दिन भी बोल सकते हैं, किसी भी दिन बोल सकते हैं, कोई दिन बोल सकते हैं या किसी दिन। एनी का मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है हिंदी के अंदर, किसी या कोई। कॉल मी एनी डे, मुझे किसी भी दिन बुलाओ। डू एज आई से, मेरी बात मानो। डू एज आई से, मेरी बात मानो या जैसा मैंने कहा है वैसा करो। अगर मैं ये कहती हूँ कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, तो इसका मतलब भी तो सेम ही हुआ ना कि मेरी बात मानो, है ना। तो डू एज आई से, डू का मतलब करना होता है, वैसा करो जैसा मैंने कहा है। आई से, आई से का मतलब क्या है, आई होता है मैं और से होता है कहना। तो मेरी बात मानो, हिंदी में आपने दो तरीके से बोल दिया है, मेरी बात मानो या जैसे मैंने कहा है वैसा करो। ठीक है, हिंदी में हमने दो तरीके से बोला है, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस एक ही बनाया है, डू एज आई से, मेरी बात मानो। ठीक है, या जैसा मैंने कहा है वैसा करो, ये भी बोलना अगर चाहते हैं तो डू एज आई से। ठीक है, तो मन से आंखें बंद करके एक बार बोल कर देखें सभी सेंटेंसेस को, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बोलते चले, मन से, माइंड से नहीं। माइंड से अगर जोर डालेंगे, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, तो प्रेशर आने लगता है दिमाग पर, और वो लंबे समय तक आपको याद नहीं रह पाता, वो रट्टे में आ जाता है। रटते हैं ना किसी चीज़ को, वैसे दिमाग दिमाग में रखते हैं तो रटना होता है। मन से जब प्यार करते हैं, पढ़ाई से, जैसे भगवान से किया जाता है, वैसे अगर मन से बोलते हैं, पूरी श्रद्धा से बोलते हैं, कहते हैं ना कि पूरी श्रद्धा से किया गया काम हमेशा ही याद रहता है और पूरा भी होता है। तो इसी तरीके से बोलें, आंखें बंद करके डू एज आई से, मेरी बात मानो, और आपको जितने समय तक आप चाहेंगे याद करना, पूरे लाइफ टाइम तक भी, तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि पूरे मन, पूरे मस्तिष्क, पूरी बॉडी में, पूरे वातावरण में, पूरी हमारी एनवायरनमेंट में फैल जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, आई कांट असिस्ट यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब तो समझते ही है ना, कि मैं, मुझे सॉरी फील हो रहा है, मुझे खेद है। आई कांट, कैन होता है सकता, और कैन नॉट जब मैं बोलती हूँ या कांट बोलती हूँ, कैन नॉट एक ही होता है, कैन नॉट को कांट बना दिया गया है, जोड़ दिया गया है आपस में, तो आई कांट, कैन नॉट नहीं कर सकता, और कैन कर सकता हूँ, है ना। तो आई कांट असिस्ट यू कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, सकता कैन लगा है, नहीं कर सकता तो कैन नॉट। आई कांट असिस्ट यू, आई एम सॉरी, आई कांट असिस्ट यू, मुझे खेद है, मुझे इस बात का फील हो रहा है, सॉरी, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आई कांट असिस्ट यू। हैव ए गुड ट्रिप, यात्रा शुभ हो, यात्रा शुभ हो, हैव ए गुड ट्रिप। What a lovely night, isn't it? Isn't क्या है, is not है, is not, और is not को जब छोड़ दिया गया तो isn't, ठीक है, isn't बोला गया इसे, जो बोलने में बहुत impressive भी लगते हैं ऐसे words। What a lovely night, isn't it? कितनी सुहानी रात है, है ना, है ना। तो नहीं word, ना जो word है, ना नहीं, तो
आ तो रहा ही है ना, तो नॉट उसी के लिए है, इजंट, इज नॉट, है ना, है ना, मैं बोल रही हूँ ना, है ना। हम बोलते हैं अक्सर कितनी सुहावनी रात है या कितनी सुहानी रात है ना, व्हाट ए लवली नाइट, बहुत इजी है ना, व्हाट ए लवली नाइट, इजंट इट, है ना, इजंट इट, है ना, यस। तो हम हाँ भी बोल सकते हैं, यस, इतना भी बोल सकते हैं, यस, इजंट इट, यस, है ना, हाँ, ऐसा भी बोलते हैं ना। चलिए आगे, ए लवली डे, इजंट इट, एक प्यारा दिन, है ना। तो है ना जब आपको बोलना हो तो इसका मतलब ही होता है इजंट इट। जो अभी मैंने आपको ये दिखाया है इजंट इट, यस को भूल जाइए एक बार, इजंट इट जब मैं बोलती हूँ तो है ना इसका मतलब होता है ना। तो कभी भी आपको बोलना हो है ना तो इजंट इट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इजंट इट। भूल मत जाइए कि है ना, ना और नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, और जब इसी को जोड़ दिया गया है भी लग रहा है और नॉट भी लगाया गया है, तो है भी बोल रहे हैं ना, तो इज नॉट, है ना, इजंट इट। तो यहाँ मैंने क्या कहा, एक प्यारा दिन है ना, ए लवली डे, इजंट इट। आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, नहीं के लिए डोंट, आई डोंट एग्री, एग्री सहमत होता है, आई डोंट एग्री। जब आप किसी बात से सहमत ना हो तो वहाँ बोले आई डोंट एग्री। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, सभी को नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी, जब मैं बोलती हूँ हेलो एवरीबॉडी तो नमस्ते ही करते हैं ना, हेलो बोलते हैं सभी को, एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो साथ में हमने नमस्ते भी किया और पूछा भी, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना, सभी को पूछ रहे हैं और सभी को नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, इजी है ना, बोलेंगे। चलिए बाकी सब, ऐसा जब हम बोलते हैं तो एवरीबॉडी एस, एवरीबॉडी एस, बाकी सब ऐसा बोलते हैं ना कई बार, एवरीबॉडी एस उसके लिए यूज़ किया जाता है, सब के लिए एवरीबॉडी जो सभी होते हैं, बाकी, बाकियों के लिए एल्स, या और कुछ ऐसा कहते हैं ना, एनीथिंग एल्स उसे ये कहा जाता है, एनीथिंग एल्स, और कुछ, कुछ भी इसका वर्ड होता है, बाकी, कुछ, एल्स का मीनिंग होता है, ठीक है, अर्थ होता है एल्स का। तो नेक्स्ट टाइम बेबी, या बेबी को नहीं बोलना है, डियर, डियर भी बोल सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिससे आपको मिलना हो, जिसे आपको कहना हो कि अगली बार मिलते हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, किसी के पास खड़े हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जब चलते हैं वहाँ से तो बोलते हैं ना कि अगली बार फिर मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, फ्रेंड्स के या रिलेटिव्स में कहीं भी जाते हैं, तो सी यू नेक्स्ट टाइम डियर, है ना, सी यू नेक्स्ट टाइम, इतना भी बोल सकते हैं कि अगली बार मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। बेबी, डियर अगर नहीं लगाना है तो यूज़ मत कीजिए, अगर किसी को स्पेशली बोलना है, किसी एक पर्सन को, तो बेबी, डियर, है ना, ऐसा लगा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी का मतलब देखना होता है, सी होता है देखना, सी यू आपसे मिलेंगे, कब, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, है ना, ईजी है ना, इस तरीके से समझे सेंटेंस को, सी होता है देखना, यू होता है आप, कि आपसे कब मिल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम, है ना, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलना क्या होता है, देखना ही तो होता है ना, जब हम किसी के पास दोबारा जाते हैं, उससे दोबारा मिलते हैं, उसे देखते हैं ना, तो सी यू, ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम बेबी, अगली बार फिर मिलते हैं बेबी। अब देखिए कैन जो है पहले लगाया जा रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन करने वाले हैं किसी से, मैंने जैसा कि हर वीडियो में बताया है, कैन, हैज, हैव, वाज, वर, कुड, ये सब पहले जब लगने लगते हैं, एग्जाम आर से वाक्य जब स्टार्ट होने लगता है इनसे, तो ये जो है क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, हम किसी से पूछ रहे होते हैं, अब हमें किसी से क्या पूछना है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ प्रिय, अगर नहीं लगाना है डियर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ऐसा भी बोलते हैं हम, है ना, बोलते हैं, तो कैन आई आस्क यू, कैन आई आस्क होता है पूछना, मैं पूछ सकता हूँ, तो मेरी बात हो रही है, आई लगाया जाएगा, कैन आई
आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ किससे, आपसे, यू, ठीक है, यही बनाना है ना सेंटेंस, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तो कैन आई आस्क यू, क्या, कुछ, कुछ के लिए समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, इतना भी बोल सकते हैं कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कुछ के लिए समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, या डियर, प्रिय, कुछ भी बोल सकते हैं, डियर, बेबी, शोना मोना, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कैन आई आस्क यू, पापा, मम्मा, मदर, फादर, है ना, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है सामने आपके जिससे आपको पूछना हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी से कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है तो सेम पूछा जाएगा, कैन आई आस्क यू समथिंग, उसमें क्या था, बेबी, बेबी या डियर यूज़ किया था, अभी डियर यूज़ किया था ना, तो कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछ सकता हूँ, व्यक्तिगत यानी कुछ पर्सनल मैटर जो पूछना है, पर्सनली बातें जो करनी है, क्या मैं वो आपसे कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, क्या मैं आपसे व्यक्तिगत कुछ पूछ सकता हूँ, ठीक है, जब हमें पर्सनली क्वेश्चन, पर्सनल बातें कुछ पूछनी होती है तो हम पर्सनल का यूज़ जो है कर देते हैं, पर्सनल लगा देते हैं सेंटेंस में, कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, कुछ पर्सनल पूछ सकता हूँ, तो कुछ पर्सनल, कुछ व्यक्तिगत, तो कुछ की इंग्लिश भी तो बनानी है ना, समथिंग, कैन आई आस्क यू, पूछना किसे है मुझे, कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछ सकता हूँ, अगर सिर्फ इतना कहना है, पर्सनल या डियर कुछ नहीं लगाना है, क्या मैं आपसे, क्या मैं तुमसे, बात तो एक ही है, आपसे, तुमसे, यू ही लगेगा उसके लिए, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, या क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। गिव, गिव क्या होता है, गिव होता है देना, देना, किसी को कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, पकड़ाते हैं किसी को, तो गिव होता है, गिव, देना, ठीक है, गिव इट, इट, इसे, इसे दो, टू हर, किसे दो, टू हर, इसे, उसको, दे दो, गिव इट, इसे दे दो, ठीक है, इट, इसे, इसे दे दो, उसको दे दो, टू हर, ठीक है, गिव इट टू हर, ईजी है ना, गिव इट टू हर, उसे दे दो, गिव देना, इसे देना, गिव इट, इसे दे दो, किसको दे दो, जो लड़की है, हर लड़की के लिए लगाया जाता है, गिव इट टू हिम, लड़का है तो ऐसा भी बोल सकते हैं, हिम, हर तो लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, गिव इट टू हर, या किसी का नाम लगाना है, नाम लेकर भी हर की जगह नाम रख दीजिए उस पर्सन का जिससे आपको बोलना है, राहुल, सुनैना, जो भी, अंजलि, वंजलि, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें, क्लोज बंद करना होता है, प्लीज़ क्लोज, कृपया बंद करें, प्लीज़ क्लोज, क्या बंद करें, द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है, प्लीज़ क्लोज द डोर, ही इज़, ये ही इज़ है, लेकिन इसको जब जोड़ दिया गया तो हीज़, ऐसा भी बोल सकते हैं, हीज़, जल्दी से भी बोला जाता है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ द सी, वह समुद्र से डरता है, ठीक है, किससे डरता है, सी, सी होता है समुद्र, समुद्र को कहा जाता है, अफ्रेड होता है डरना, ही इज़ अफ्रेड ऑफ द सी, वह समुद्र से डरता है। I told him to come. Told, tell होता है कहना, बताना, तो tell के जो क्या है, second form को use किया गया है, I told, मैंने उसे आने के लिए कहा, अब की बात तो नहीं है, पहले कहा होगा ना, तो अभी बता रहा है, ठीक है, मैंने उसे कहा, यह हो सकता है थोड़ी देर पहले कहा हो, लेकिन है तो पुरानी बात ना, I told, इसीलिए second form का use किया गया है, ठीक है, तो कहने से भी समझ आता है, मैंने उसे आने के लिए कहा, यानी आप कह चुके हैं, ठीक है, अभी आप बता रहे हैं ऐसा बोलकर, समझ आता है ना हिंदी के अंदर भी, तो टोल्ड लगते ही समझ आना चाहिए कि थोड़ी सी पुरानी बात है, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, आई टोल्ड हिम टू कम,
जैसे हिंदी में समझ जाते हैं, हिंदी में तो दिमाग नहीं लगाते हैं ना कि पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्या क्या बोला है, कब की बात की है, नहीं, बोलते ही समझ आती है हिंदी। इसी तरह से इंग्लिश के सेंस को पकड़ें कि टोल्ड लगा है तो पुरानी थोड़ी सी बात है, ठीक है। आई टोल्ड हिम, अब लड़के की बात हो रही है, हिम से पता चलता है, आई टोल्ड हिम, ठीक है। मैंने उसे कहा, क्या कहा, टू कम, आने के लिए कहा, आई टोल्ड हिम टू कम। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस और आशा करती हूँ आप सभी को ये सेंटेंसेस ज़रूर समझ में आए होंगे और आपने मन से बोला भी होगा, आपको याद भी हुए होंगे और याद बोलेंगे भी, है ना। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों की जो है हेल्प होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।